राधे राधे सभी को। तो जैसा कि दीपक भैया ने बताया, नाम मेरा विशाल कुमार है, पेशे से इंजीनियर और टूटे दिल से शायर हूँ मैं। तो शुरू करते हैं ख्याल से। तो कहा है कि इश्क कफारे उम्र काट रहे हैं। कफारे के मायने होते हैं प्रायश्चित। तो आज से 4 साल 6 महीने 2 दिन पहले इश्क करने का पाप किया था और अब शायरी करके प्रायश्चित कर रहे हैं उसका। तो लिखा है कि इश्क कफारे उम्र काट रहे हैं, तेरे जाने बाद तेरी याद सहारे उम्र काट रहे हैं। किश कफारे उम्र काट रहे हैं, तेरे जाने बाद तेरी याद सहारे उम्र काट रहे हैं। और जाने के साथ तेरे जा चुकी है जान मेरी, कि जाने के साथ तेरे जा चुकी है जान मेरी। अब तो जैसे हूँ कोई जिंदा लाश, वैसे उम्र काट रहे हैं, वैसे उम्र काट रहे हैं। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बातें कि अभी कैसे उम्र काट रहे हैं। अब बात करते हैं जब आई थी वो। तो जब कोई लड़की आती है किसी लड़के की लाइफ में, तो लड़का अपने लिमिट पुश करता है। एक उससे रिश्ता रखने के लिए हर संबंध को वो ताक पे रख देता है कि देख लेंगे, ना अपने ही हैं ये। लेकिन जब वो चली जाती है तो सब बिगड़ जाता है। तो लिखा है कि दोस्तों की महफिल से निकाले गए हैं हम। बेबसी देखिए कि दोस्तों की महफिल से निकाले गए हैं हम, एक तेरी खातिर ना जाने कितनों से अनजाने हुए हैं हम। कि दोस्तों की महफिल से निकाले गए हैं हम, एक तेरी खातिर ना जाने कितनों से अनजाने हुए हैं हम। और एक तुझसे रिश्ता निभाने के लिए, और एक तुझसे रिश्ता निभाने के लिए हर संबंध ताक पर रखा था हमने। और अब तुम्हारे जाने के बाद घर से भी बेगाने हुए हैं हम, घर से भी बेगाने हुए हैं हम। तो जब वो चली जाती है कुछ दिन बाद, तो लड़का सोचता है कि इतने भी कोई गिले शिकवे नहीं थे, सॉर्ट आउट कर लेते हम बात करके। लेकिन उन्हें मुनासिब नहीं था, वो जाना ही मुनासिब समझा उन्होंने। तो लिखा है कि गिले शिकवे इतने भी बड़े नहीं थे, कि गिले शिकवे इतने भी बड़े नहीं थे, मसले सभी सुलझाए भी तो जा सकते थे। और नाते जो तुम तोड़ रही हो हमसे, और नाते जो तुम तोड़ रही हो हमसे, रिश्ते वो भी तो निभाए जा सकते थे, रिश्ते वो भी तो निभाए जा सकते थे। तो अब जा तो वो चुकी हैं, लड़की है, मूव ऑन कर लिया, लड़कों पे नहीं होता, हम थोड़े भोले होते हैं, होता नहीं है मूव ऑन। तो 24/7 अब ख्वाबों में आ रही हैं, ख्यालों में आ रही हैं। तो लिखा है कि अधर हमारे आज भी बस एक तुम्हारा नाम लेते हैं, कि अधर हमारे आज भी बस एक तुम्हारा नाम लेते हैं। सहम जाती है जो रूह यादों से तुम्हारी, कि सहम जाती है जो रूह यादों से तुम्हारी। तो आंसुओं की पलकों, आंसुओं की चादर से पलकों को ढाक लेते हैं, आंसुओं की चादर से पलकों को ढाक लेते हैं। और किस्सा तुम्हारा कुछ यूँ कहानी बन बैठा है हमारी, और किस्सा तुम्हारा कुछ यूँ कहानी बन बैठा है हमारी। कि कोई पूछे जो हाल दिल हमारा, कि कोई पूछे जो हाल दिल हमारा, तो उसमें भी हम बस एक जिक्र तुम्हारा कर देते हैं, बस एक जिक्र तुम्हारा कर देते हैं। तो अब तो या अब तक तो अपने तक था, अब दुनिया को पता चल गई कि जा दुनिया से कहाँ छुपने वाला है कि जा चुकी हैं अब वो। लेकिन आप बताना नहीं चाहते क्योंकि खुद नहीं मानना चाहते। तो लिखा हुआ है कि पीछे वाली आस्तीन में सांप छुपा रहे हैं, कि पीछे वाली आस्तीन में सांप छुपा रहे हैं, हम दुनिया से तेरी बेवफाई के राज छुपा रहे हैं। और लोगों को कैसे बताएं कि तू अब हमारा नहीं रहा, और लोगों को कैसे बताएं कि तू अब हमारा नहीं रहा। हम तो आज भी तेरे लौट आने के वहम में जिए जा रहे हैं, तेरे लौट आने के वहम में जिए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में होता क्या है, अब उनके बारे में गलत तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन गुस्सा भी होता है कि सारी गलती मेरी तो नहीं थी, फिर भी तो आप चले गए। तो लिखा है कि शब्दों में मेरे नफ़रतें हैं, हर्फ मेरे कड़वे भी हैं, कि शब्दों में मेरे नफ़रतें हैं, हर्फ मेरे कड़वे भी हैं। और तुझ पे मर के सीखा था जीना हमने, और तुझ पे मर के सीखा था जीना हमने, और तुझसे बिछड़ के मर मर के जीते आज भी हैं, मर मर के जीते आज भी हैं। तो ये आखिरी शेर, उसके बाद मैं विदा लूँगा। तो कहा है कि ना जाने ये अधूरी ख्वाहिशें हैं कुछ, ना जाने अधूरी ख्वाहिशें हैं ये कुछ, या फिर याद तेरी है। कि ना जाने ये अधूरी ख्वाहिशें हैं कुछ, या फिर याद तेरी है। और मेरे लफ्ज़ों के मायने चाहे जो, कि मेरे लफ्ज़ों के मायने चाहे जो हो, पर मेरे शब्दों में लिखी हर एक बात तेरी है, हर एक बात तेरी है, हर एक बात तेरी है। शुक्रिया सभी का सुनने के लिए।